हमारा जो गारवा है एक बार फिर से निकल पड़ा है खाने की तलाश में। खाने की तलाश करते करते हम आ गए हैं गरम धरम। तो जी हाँ भैया, जय आया है, जय के साथ आया है वीडू। जी हाँ, तो भाई अरे यार पेट्रोल खत्म हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, खाना जो है वो यहाँ पे कभी भी खत्म नहीं होता। तो आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आज गरम धरम में क्या कुछ खास है जय और वीरू के लिए। आ जाओ। भाई धरम गरम में आके यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ का जो कोना कोना है वहां पे धर्मेंद्र जी आपको मिलेंगे। जी हाँ, देखिए यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सी वॉल है जहाँ पे बहुत यूनिक डायलॉग्स हैं। हमारी बर्दाश्त को हमारी कमजोरी मत समझना। जी हाँ, इस स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है और ट्रेजेडी है। जी हाँ, ये डायलॉग था फेमस फिल्म शोले का। पहले एक हिंदुस्तानी को समझ लो, हिंदी तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगी। कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। तो यानी कि अगर आप यहाँ पर आएंगे खाने के साथ साथ, अगर आप धर्मेंद्र जी के डाई हार्ट फैन है, तो आई एम श्योर आपको उनकी लाइफ से जुड़ी वो बातें पता चलेंगी, वो डायलॉग्स आपको मिलेंगे जो आई एम श्योर आपने कभी नहीं देखे होंगे, कभी नहीं सुने होंगे। ये 2.5 किलो का हाथ जब उठता है ना, आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। भाई पापा के ढाबे में तो मैं आपको ले आया हूँ, लेकिन बाबा के ढाबे में आज क्या कुछ खास है वो आप देख लीजिए। भाई गरम धरम में हम लोग आ चुके हैं, पूरी मस्ती की तैयारी के साथ मैं अंदर आ गई हूँ। आप यहाँ पे चेकआउट करते हैं कि खाने में क्या कुछ खास है यहाँ पे। तो आइए नजर घुमाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है शेक्स एंड मॉकटेल्स। तो शेक्स आपको, दो तरह के शेक्स यहाँ पर आपको मिल सकते हैं, और एक और है यहाँ पे मॉकटेल में, वो है वीरू की गुट्टी। भाई क्या बात है, अब ये गुट्टी कैसी होगी ये तो आपको पीने के बाद पता चली जाएगा। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक्स, डिफरेंट डिफरेंट तरह की सॉफ्ट ड्रिंक्स। अगर आपका मन है कुछ ठंडा पीने का तो आप वो पी कर सकते हैं। ओहो पंजाब यार, लस्सी नहीं पी? जी हाँ, तुसी यार बन गए लस्सी। वाह भाई वाह। तो यहाँ पे जायकेदार जो लस्सी है वो मुझे दिख रही है, और जो मेरी तरह है चाय के दीवाने हैं उनके लिए यहाँ पे चाय भी है, यानी कि चाय एंड लस्सी आपके पास बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। और धीरे धीरे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो यहाँ पे मेन्यू है वो है साउथ इंडियन फूड का। जी हाँ, यानी कि अगर आप साउथ इंडियन फूड के दीवाने हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है डोसा, विच इज कॉस्ट ₹135। नॉट बैड यार, गरम गरम में आगे गर्मा गर्म डोसा भी आप खा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको साउथ की इडली भी मिलेगी। ओके, आगे जो सेक्शन है वो है तंदूर का। तो तंदूर में क्या कुछ खास है, वो है पनीर टिक्का। अगर आपका मन है कुछ स्नैक वाले आइटम खाने का तो आप पनीर टिक्का खा सकते हैं, या फिर अंगारे वाली चाप। अगर आप चाप के दीवाने हैं तो आप चाप भी खा सकते हैं। और स्नैक्स के बाद अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और आगे काउंटर है चाइनीज का। जी हाँ, चाइनीज में यहाँ पर आपको मिलता है नूडल्स, विच इज कॉस्ट ₹120। मतलब यहाँ पे आपको नूडल्स भी मिलता है, मंचूरियन है। अगर आप चाइनीज फूड अगर आपको बहुत ज्यादा पसंद है, तो धरम गरम में आपको सिर्फ नॉर्थ इंडियन फूड ही नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर आके चाइनीज फूड भी मिलेगा। अगर आपको पास्ता, पिज्जा, मैक्रोनी अगर आपको ये बहुत ज्यादा पसंद है, तो आपको अपसेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धरम गरम में आपको कॉन्टिनेंटल फूड भी मिलता है। भाई धरम गरम में हम लोग आ गए, और कुछ लोग हमारे साथ हैं, तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर आपका नाम क्या है? परजिंदर जी, परजिंदर सिंह। ओके, तो आप धरम गरम में पहली बार आए हैं? नहीं, हर बार आते हैं जब दिल्ली जाते हैं, बिल्कुल घर जैसा है। फर्स्ट टाइम आए हैं, थीम अच्छी लगी हमें। अच्छा, थीम अच्छी लगी। हाँ। तो धर्मेंद्र जी के फैन हैं आप? बिल्कुल पूरे जी पूरे। अच्छा, शोले फिल्म बहुत बार देखी है, बहुत बार देखी। की कमी है। एक डायलॉग तो बनता है शोले से, एक कोई भी डालो। बसंती एक बार नाच के दिखा दे। आए।
इस समय हमारे साथ है मिक्की मेहता जी, जो कि गरम धरम ढाबा, जिनकी वजह से है। सर आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले क्योंकि गरम धरम में आते ही जो फील है वो आता है धर्मेंद्र जी का, तो ये आइडिया कैसे आया? गरम धरम आइडिया, जैसे बहुत टाइम से हम लोग सोच रहे थे कि इंडियन रेस्टोरेंट बनाए, सस्ता फॉर द मासेस, सो दैट फैमिली कैन कम एंड एंजॉय। ओके। तो धरम जी के साथ अक्सर मुलाकात होती रहती थी, आइडिया शेयर किया उनको, फिर एक दिन उनके साथ बैठे बैठे उनका गाना याद आ रहा था, मैं हूँ गरम धरम। अच्छा। तो मैंने उनको बोला कि हम तो यही नाम रखेंगे। अच्छा। तो he started laughing, he said, कोई बात नहीं, कर सकते हैं, we can think about. तो धरम जी तो वैसे ही, he's more like a family. खाना तो उनका सबसे first love है। जी बिल्कुल। He loves to eat and he explains so much about food. यहाँ का खाना बहुत खास है और बहुत प्यार से हम लोग खिलाते हैं, तो शायद खाना और ज्यादा टेस्ट हो जाता है। बहुत ड्रामेटिकली हमने डिजाइन कराया, मोर फिल्मी, और उनकी पिक्चर के बाद तो गरम धरम हो ही नहीं सकता था ना। बिल्कुल। गरम धरम इज धर्मेंद्र। हाँ। और शोले की तरह वहाँ पर एक बाइक भी रखी हुई है चलाने के लिए, हमारे हर रेस्टोरेंट में। आपने जैसे कि खाने की बात करी कि यहाँ का जो स्पेशल फूड है वो भी यहाँ पर आ चुका है, फूड के बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगी। थैंक यू सो मच सर, इतनी वंडरफुल कॉन्वर्सेशन के लिए। थैंक यू। स्मेल है, खुशबू तो बहुत ज्यादा अच्छी है। और यहाँ पर सबसे पहले मैं टेस्ट करने वाली हूँ पनीर टिक्का। पनीर टिक्का इज अमेजिंग। अब नेक्स्ट आइटम जो मैं टेस्ट करने वाली वो है मलाई सोया चाव। भाई वाह, जितनी खूबसूरत ये देखने में लग रही है ना, आई एम श्योर इसका टेस्ट भी उतना ही अमेजिंग होने वाला है। लाजवाब। खाने की यहाँ पर आपको कोई भी कमी नहीं मिलने वाली है। जी हाँ, यहाँ पर है मेरे पास पाव भाजी। मतलब नॉर्थ इंडियन फूड के अलावा अगर आप स्नैक्स के दीवाने हैं तो भी आप यहाँ पर आ सकते हैं एंजॉय करने के लिए। भाई वाह, अभी तक जो मैंने तीनों चीजें खाई हैं, चाप, पनीर टिक्का या फिर पाव भाजी, सब बहुत ज्यादा अमेजिंग है। एक चीज और है हमारे पास यहाँ पे, वो है चाट पापड़ी। भाई फूड तो मैं टेस्ट कर चुकी हूँ और सभी का सभी जो खाना है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, बहुत टेस्टी है। चलिए बात करते हैं रिपोर्ट कार्ड की। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ के टेस्ट की। अमेजिंग टेस्ट, तो यानी कि मेरे तरफ से 10 में से मिलते हैं पूरे 8 मार्क्स टेस्ट को लेकर। चलिए बात करते हैं एम्बियंस की। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि गरम धरम में आपको कोने कोने में आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र जी। एम्बियंस को पहली बार किसी ढाबे को मैं देने जा रही हूँ 10 में से पूरे के पूरे 10 मार्क्स। जी हाँ, चलिए बात करते हैं यहाँ की सर्विस की। यहाँ पे जितने भी लोग आपको फूड सर्व कर रहे हैं, जो उनकी ड्रेस है, जो उनका कॉस्ट्यूम है, वो बहुत ज्यादा यूनिक। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सर्विस को देते हैं 10 में से 8 मार्क्स। अब बात करते हैं वैल्यू फॉर मनी, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। तो चलिए वैल्यू फॉर मनी को मैं देती हूँ 10 में से पूरे के पूरे 9 मार्क्स। अब अपनी दोस्त मोहिनी को दीजिए इजाजत, क्योंकि अगले एपिसोड में हम आपको मिलेंगे एक और नई जगह जहाँ पर होगा एक नया ढाबा, और वहाँ पर आपको दिखाएंगे उनकी मेहमान नवाजी। भाई तब तक आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छा अच्छा